नाज़रीन, कौन कहता है कि कराची में खूबसूरत जगहें मौजूद नहीं हैं। ये 150 साल से भी पुरानी इमारत है जिसे हम फ्रेयर हॉल के नाम से जानते हैं। ये जितनी पुरानी इमारत है उतनी ही खूबसूरत है। आइए आज आपको दिखाते हैं। अमरीकी कौंसुलेट और केम्सी के इश्तराक से कराची फ्रेयर हॉल बना एक बार फिर अवाम की तवज्जो का मरकज। नाज़रीन, फ्रेयर हॉल 10 अक्टूबर 1865 में मुकम्मल हुआ था। इस इमारत को 150 साल तो गुजर चुके हैं मगर यहाँ की खूबसूरती में 1% भी कमी वाकई नहीं हुई। टांगों पर सवारी करते, टिकटॉक वीडियोस बनाते और चहलकदमी करते लोग यहाँ के दिलफरेब मनाजिर से बखूबी लुत्फ उठाते दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि कराची में यूँ तो बेशुमार जगहें सैर व तफरी के लिए मौजूद हैं मगर यहाँ का ताज़ा माहौल उन्हें अपनाइयत का एहसास दिलाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है, यहाँ की ग्रीनरी है और मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगता है। इमारत के अंदर एक साथ कैन आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसमें 70,000 से जायद किताबें मौजूद हैं जिनमें मजहबी, तारीखी, साइंस और दीगर मौजूद पर कुतुब लाइब्रेरी का हिस्सा है। यहाँ पे एक सादकेन आर्ट गैलरी के नाम से बनाया गया है और एक लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ लोग आते हैं, वॉक भी करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। फ्रेयर हॉल का ये मुतासिर कुन ढांचा कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है। आप भी यहाँ विजिट करके अपने लम्हात को यादगार बना सकते हैं।